दोस्तों 2024 में वेन्यू ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं कि एस ऑप्शनल लें या फिर SX ऑप्शनल, क्योंकि हुंडई वेन्यू में इन्हीं दोनों वेरिएंट्स में आता है ऑटोमेटिक। कंफ्यूज हो गए हैं कौन सा लेना चाहिए, स्टार्टिंग वेरिएंट की टॉप वेरिएंट, तो आज के हमारे इस वीडियो को चेक करिए। मैं आपको सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, सारे डिफरेंसेस दिखाने वाला हूँ, प्राइस डिफरेंस दिखाने वाला हूँ, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताने वाला हूँ। तो आज के अपने इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको चेक करा दूंगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है हुंडई वेन्यू का एस ऑप्शनल 7-speed DCT ऑटोमेटिक में, और जो राइट साइड पर आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका SX ऑप्शनल या फिर SXO भी कहते हैं 7-speed DCT ऑटोमेटिक में। दोनों में ट्रांसमिशन सेम है, इंजन सेम है, दोनों में ही 1 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलेगा जो कि पावरफुल पेट्रोल इंजन इसमें दिया हुआ है। हालांकि डीजल में ऑटोमेटिक वेन्यू में नहीं आता है, तो यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक्स मिलेगा। एस ऑप्शनल वेरिएंट की बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ सिंगल टोन कलर की च्वाइसेस मिलती हैं, वहीं पर SX ऑप्शनल वेरिएंट में सिंगल टोन कलर के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर की भी च्वाइस मिल जाएगी। इवन टॉप मोस्ट वेरिएंट पर SX ऑप्शनल में एक नाइट एडिशन भी आया है जिसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, नाइट एडिशन नहीं मिलेगा आपको एस ऑप्शनल वेरिएंट पे। तो यहाँ पे थोड़ी चॉइसेस आपको ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन दोनों ही गाड़ियाँ मैंने रेगुलर जो ज़्यादा बिकती हैं वही चूज़ करी है। नाइट एडिशन एक स्पेशल एडिशन है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, हो सकता है उसके बाद उसको कंपनी डिसकंटिन्यू करे। तो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक वर्सेस SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक की, और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इन दोनों गाड़ियों में फीचर डिफरेंसेस। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के सबसे पहले फ्रंट लुक की। तो देखिए ये आप इस समय चेक कर रहे हैं एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट, और वहां पे देखिए आपको दिख जाएगा टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO ऑटोमेटिक। दोनों के दोस्तों फ्रंट लुक बिल्कुल सिमिलर है, यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में, यानी फ्रंट से हम बता ही नहीं पाएंगे कि हम टॉप देख रहे हैं या फिर हम सेकेंड टॉप कह लीजिए या बेस कह लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक में इससे नीचे कोई भी वेरियंट नहीं आता है। दोनों में डार्क क्रोम ग्रिल, दोनों में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL लाइट्स, सराउंड्स देखिए पूरे दिए हुए हैं, और कॉर्नरिंग लैंप्स दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर हम फ्रंट की विंगशील्ड चेक करेंगे तो एस ऑप्शनल वेरिएंट पे देखिए उधर ऊपर की तरफ कोई भी कैमरा प्लेस नहीं है, वहीं पे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए एक कैमरे को प्लेस किया गया है। ये है ADAS Level 1, एक एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाता है SXO वेरिएंट में। 10 ADAS के फीचर दोस्तों आपको मिलेंगे इस गाड़ी में, तो यहाँ पे बेटर सेफ्टी हो जाती है। तो ये डिफरेंस है इनकी विंग शील्ड्स पे, और बाकी फ्रंट मैंने आपको बताया कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड से आपको डिफरेंसेस बताते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के। तो देखिए ये व्हील्स आप चेक कर रहे हैं एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक के, जो कि 16 इंच के व्हील्स हैं, लेकिन ये एक्चुअल में देखिए यहाँ पे ये फाइबर कैप्स लगी हैं, लेकिन लुक आपको एक तरीके से एलॉय का देंगे। ये हैं 16 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स। वहीं पे मिल जाते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट पे डायमंड कट एलॉय व्हील्स, यहाँ पे कोई भी दिखावा नहीं है, ये एक्चुअल में मजबूत यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साइज दोनों गाड़ियों का सिमिलर है, यहाँ पे साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही जो है 215, 60, 8, 16 इंच, और ये देखिए 215, 60, 8, 16 इंच, यहाँ पे दोनों में ही 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। तो यहाँ पे व्हील्स में बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा डिफरेंसेस दिखेंगे इन गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। अब आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी डिफरेंस, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं इनको ओपन क्लोज आपको मैनुअल करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट जो है ये आप इसमें इलेक्ट्रिकली बटन से कर सकते हैं। वहीं पर जब इस गाड़ी यानी टॉप मोस्ट वेरियंट के हम आउटसाइड मिरर्स की बात करेंगे तो ये हो गए हैं यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे हम दोनों साइड के मिरर्स को यही ड्राइविंग साइड से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। एडजस्टमेंट हालांकि इसमें भी दिया हुआ है, इतने ही नहीं जब हम इन मिरर्स को ओपन करते हैं उस वक्त इसमें पडल लैंप्स भी दे रखे हैं जो कि ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे पडल लैंप वाला फीचर भी आपको नहीं मिलेगा एस ऑप्शनल वेरिएंट में। तो यहाँ पे देखिए मिरर्स में कितना बड़ा डिफरेंस है, और साथ में इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक के टाइम पर भी ये ओपन क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें आपको मिल जाती हैं आउटसाइड मिरर्स में टॉप मोस्ट वेरियंट पर, और थोड़ा सा प्रीमियम हैंडल्स लगते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एस ऑप्शनल वेरियंट है इसमें बॉडी कलर के हैंडल्स दिए हुए हैं, वहीं पर क्रोम हैंडल्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम लुक आ जाता है इनके हैंडल्स की वजह से। इसके अलावा रूफ रेल्स हालांकि दोनों में ही दी हुई हैं। बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, और बैक से
दोनों वेरिएंट्स अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट की तरह बैक में भी आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही वेरिएंट्स में रियर वाइपर डिफॉगर शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है और दोनों वेरिएंट्स में एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे बैक प्रोफाइल से भी अगेन आप नहीं बता पाएंगे कि आप ये टॉप वेरिएंट चेक कर रहे हैं या फिर आप सेकेंड टॉप वेरिएंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं इन गाड़ियों के एक्सटीरियर में, बाकी हालांकि दोनों ही गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों में ही सेंसर्स दिए हुए हैं। तो एक्सटीरियर प्रोफाइल के बाद चलिए चलते हैं हम अंदर की तरफ और अंदर के डिफरेंसेस दिखाते हैं। उससे पहले जरा की डिफरेंस चेक कर लीजिए। दोनों वेरिएंट्स के दोस्तों अगर कीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक में देखिए कुछ इस तरीके की रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आती है, जो कि ऐसे फ्लिप होके बाहर आती है और इस तरीके से आप उसको बंद कर सकते हैं। सेकंड की इसमें मैनुअल दी हुई है और यहाँ पे बटन चेक करेंगे तो लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन मिलेगा। वहीं पे जब हम इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SX-O ऑटोमेटिक की देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देगी। यहाँ पे आपको स्मार्ट कीज़ मिल जाएंगी जिसमें क्रोम के देखिए बटन दिए हुए हैं। हालाँकि इसके अंदर एक एमरजेंसी की है जिसका यूज़ बहुत ही लिमिटेड कह लीजिए, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तभी करना पड़ता है, बाकी स्मार्ट कीज़ हैं तो कहीं पर भी की लगाने की इस गाड़ी में जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ बटन्स भी देखिए अलग दे रखे हैं, इसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर के साथ एक नीचे की तरफ होल्ड का बटन दिया हुआ है, यानी हम इस की को जब इस बटन को प्रेस करे रहेंगे तो इंजन गाड़ी का स्टार्ट हो जाएगा और इसी से हम इंजन को बंद भी कर सकते हैं। तो रिमोटली यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला भी बटन इसके की में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कीज डिफरेंस देखिए बड़े हैं, उसमें दोनों ही रिमोट यानी स्मार्ट कीज हैं, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट कीज मिलती हैं और यहाँ पे देखिए एक मैनुअल की मिलेगी। तो ये हो गया डिफरेंसेस इन दोनों वेरिएंट्स के कीज में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे गाड़ी को लॉक करना पड़ेगा या फिर अनलॉक करना पड़ेगा, तो ये जो है इसमें रिमोट से ही है, आप कोई भी डोर पे बटन वगैरह नहीं दिया हुआ है, आउटसाइड मिरर्स मैनुअल है, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखिए नहीं होता है। चलिए अब जरा हम इंटीरियर्स की बात करते हैं। तो ये जो है की लगा के गाड़ी स्टार्ट होती है, तो इग्निशन ऑन कर दिया है। अब एक झलक आप पहले तो अंदर का व्यू चेक करिए SO ऑटोमेटिक का। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की तरफ सीटें चेक करा दूं, जो कि इसमें फैब्रिक मटेरियल की है। देखिए साइड तक यहाँ पे सब फैब्रिक दिया हुआ है, मैनुअल एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट सेटिंग्स मिलती हैं, आउटसाइड मिरर्स मैंने बता ही दिया मैनुअल ओपन क्लोज हैं, चारों पावर विंडोज आपको इसमें मिलेंगे। इस साइड पे पैनल चेक कर लीजिए, बैक साइड का यहाँ पे आप डोर देख सकते हैं और पीछे की साइड देख लीजिए। हालांकि बैक सेटिंग में दोस्तों दोनों वेरिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए ये स्टार्टिंग वेरिएंट ऑटोमेटिक का है, उसमें भी आपको तीन हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60-40 स्प्लिट सीट्स और ये देखिए हल्की सी रिक्लाइनर यानी पीछे की तरफ सेटिंग चली जाती है। बीच में आर्मरेस्ट जो है वो ना ही इसमें दिया हुआ है और ना ही टॉप मोस्ट वेरिएंट पे मिलेगा। जब ये 2023 में अपडेट्स आए थे पीछे के सेटिंग्स में, तो आर्मरेस्ट को रिमूव करके यहाँ पे एक हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल मिडिल पैसेंजर के लिए दिया था। और बाकी रियर एसी वेंट, दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। एक झलक आप ऊपर की साइड इस गाड़ी को देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको इधर की बता दी हैं, अब जरा इतनी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ पहले SX-O की, तब आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट कीज़ हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी की लगाने की, बस की आपके पास होनी चाहिए, इसी बटन से जो है लॉक या फिर आप अनलॉक गाड़ी को कर सकते हैं। और जब हम अंदर आएंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स। तो यहाँ पे जो है स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन वाला डिफरेंस बड़ा है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब देखिए यहाँ पे कलर थीम तो दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सिमिलर सी है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस आपको दिखेगा अगर आप एक झलक में ऐसे देखेंगे दोनों वेरिएंट्स को, बट है यहाँ पे कई सारे डिफरेंसेस हैं। चलिए बताता हूँ, अगर हम सेटिंग्स में अपहोल्स्ट्री चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े के साथ साथ साइड में ये सब लेदराइट यानी सेमी लेदर सेटिंग्स आपको इसमें मिलती हैं, जिसमें फैब्रिक और लेदराइट मटीरियल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको फोर वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाएगी, तो ये भी प्रीमियम फीचर बढ़ जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। हालांकि हाइट एडजस्टमेंट जो है वो दोनों गाड़ियों का हाइड्रोलिक दिया हुआ है। इसके अलावा जब डोर ट्रिम्स वगैरह चेक करेंगे तो यहाँ सब देखिए सब सॉफ्ट लेदर ट्रिम यहाँ पे मिलेंगे, तो प्रीमियम फील देते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट के डोर्स। पीछे का डोर भी देखिए ये सब लेदराइट ट्रिम पे दिया हुआ है। इसके अलावा पीछे की सेटिंग्स एक बार आपको बस चेक करा देता हूँ, जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था मटेरियल को लेकर, ये देखिए सेमी लेदराइट मटेरियल, वो आपको डिफरेंस देखेगा
रहेगा, लेकिन फीचर्स की अगर बात करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों के फीचर्स बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें भी पीछे की तरफ आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। और बाकी एक झलक आप ऊपर साइड ये सब देख लीजिए, रियर ए7 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, यानी बैक सीटिंग के कंफर्ट में कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा इन दोनों वेरिएंट्स में। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको इधर की सब बता दी हैं। एक बार जरा मैं टेलगेट भी ओपन करके दोनों गाड़ियों दिखा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे ड्राइविंग सीट में बैठ के बाकी और डिफरेंसेस ढूंढेंगे। तो देखिए, ये है दोनों गाड़ियों का बूट, मैंने ओपन कर दिया है। नीचे वाला वेरिएंट है, इसमें अगर आप चेक करिए तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको पीछे लगेज लैंप, वहीं पे मिल जाएगा इसमें, यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट के ऑटोमेटिक पे लगेज लैंप। तो है तो छोटा सा फीचर, लेकिन नाइट के टाइम पे जब अंधेरा है तो यहाँ पे कोई सामान रखना निकालना है तो इस लैंप से काफ़ी मदद मिलती है। तो ये भी हो गया डिफरेंस। तो यहाँ पे इधर के सब चीज़ें बताने के बाद अब चलिए चलते हैं जरा हम एस ऑप्शनल, यानी जो ऑटोमेटिक वेन्यू का बेस वेरिएंट है, उसकी ड्राइविंग सीट में बैठ के एक्सप्लोर करते हैं। पहले इधर की चीज़ें तो डिफरेंस ढूंढने के लिए वापस से चले चलेंगे SX-O की तरफ। ड्राइविंग सीट में जब आप बैठेंगे तो एक झलक आप इधर के पूरे पैनल की देख लीजिए, ये सब आप चेक कर सकते हैं। देखिए, फीचर्स इस गाड़ी में भी बहुत सारे मिलते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले है। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वायर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप थ्रू वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को और अपने फ़ोन के नेविगेशन को उसमें चला सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं दिया हुआ है और इसमें कोई वीडियो प्लेबैक नहीं होते। ये HD पैनल नहीं है, 8 इंच का टच स्क्रीन है यहाँ पर। और अगर हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे तो देखिए, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़, गाइडलाइंस जो है स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ मूव भी करती हैं। और बाकी स्टीयरिंग देखिए, इस गाड़ी का लेदर रैप्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग बहुत सिंपल सा दे दें, स्टार्टिंग वेरियंट है तो स्टीयरिंग भी प्रीमियम क्वालिटी का है। क्रूज कंट्रोल भी दोस्तों आपको इस वाले वेरियंट पर मिल जाते हैं। बाकी पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर देखिए इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इवन जब हम इधर की तरफ चेक करेंगे तो ड्राइव मोड्स भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएंगे। 3 ड्राइव मोड्स हैं, ईको, स्पोर्ट और नॉर्मल। तो ड्राइव मोड्स भी दोस्तों ये वाला वेरिएंट कवर कर लेता है। इसके अलावा इधर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलेगा। फटाफट एक कुछ फीचर भी बताता चल रहा हूँ, इससे आपको कुछ आइडिया भी रहे। देखिए, इस गाड़ी का जो बॉक्स है वो नॉन कूलिंग फीचर के साथ दिया हुआ है। बाकी एक बार इधर का पैनल चेक कर लीजिए, जो कि मैनुअल डे नाइट मिरर के साथ आएगा। एक चीज़ आपको और बताऊँ, यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट पे आगे की तरफ देखिए, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दी हुई है। जो इसकी लाइट प्रोवाइड की गई है ये इधर पीछे की तरफ है, तो अगर आगे कोई बैठा हुआ है और उस लाइट को ऑपरेट करना चाहे तो उसको पूरा पीछे की तरफ ऐसे हाथ को ले जाके ऑपरेट करना पड़ेगा। इवन इस गाड़ी की जो लाइट है, यानी ये वाली जो रोशनी है, वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं आती है, तो नाइट के टाइम पे कहीं ना कहीं आपको इधर की तरफ अंधेरा सा फील होता है। तो ये एक कह लीजिए छोटा सा ड्रॉबैक है इस गाड़ी का। बाकी AC इसमें मैनुअल यूनिट वाला दिया हुआ है। इस साइड का पैनल चेक कर लीजिए, कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक झलक मैंने आपको फटाफट दिखाई है SO वेरिएंट ऑटोमेटिक की। अब डिफरेंसेस आपको तभी समझ में आएंगे जब हम चलते हैं और ड्राइविंग सीट में बैठते हैं SX-O वेरियंट पे। दोस्तों, आ गए हम टॉप मोस्ट वेरियंट SX-O ऑटोमेटिक पे। तो पहले तो एक झलक आपको मैं फटाफट दिखाता हूँ इस गाड़ी पे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा जो कि AQI इंडेक्स के साथ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है। तो यहाँ पे जो केबिन की एयर है, ये एयर प्यूरीफायर क्लीन करता रहेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा और चीज़ों की बात करते हैं तो स्टीयरिंग हालांकि दोनों का बिल्कुल सिमिलर सा दिखाई देता है, क्योंकि दोनों में कंट्रोल्स बिल्कुल एक जैसे दे रखे हैं, दोनों में पैडल शिफ्टर्स भी सिमिलर से दिए हुए हैं। बस यहाँ पे ये वाला बटन आपको मिल जाता है जो कि लेन असिस्ट या लेन की असिस्ट जैसे फीचर्स को बोल सकते हैं, उसको ये अडास का फीचर है। तो यहाँ पे लेवल 1 अडास आता है, तो ये एक एक्स्ट्रा बटन इसमें दिया हुआ है। बाकी क्रूज कंट्रोल आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। इस साइड पे बात करेंगे तो अगेन दोस्तों, ये दोनों बटन तो दोनों में है, ट्रैक्शन कंट्रोल वाला बटन और आइडल स्टॉपिंग वाला फीचर आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। यहाँ पे एक ये बटन व्यू का दिया हुआ है, जिसको हम प्रेस करेंगे तो पीछे का कैमरा इसमें शुरू हो जाता है। हालांकि ये फीचर SO ऑटोमेटिक में भी दे रखा है, उसके म्यूजिक सिस्टम पे DRVM के नाम से ये फीचर
है, जैसे हम उसको प्रेस करेंगे तो कैमरा उसमें भी स्टार्ट कर देता है ड्राइव करते समय। वही बस यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन है, तो अलग उसको मैं डिफरेंस नहीं बोलूंगा, सिर्फ बटन की प्लेसिंग्स दोनों में अलग अलग दी हुई है। चलिए अभी तक की बात करते हैं और आते हैं हम जरा इसके म्यूजिक सिस्टम की तरफ। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप इनबिल्ट नेविगेशन से रास्ता देख सकते हैं, इवन इसमें लाइव ट्रैफिक भी दिखाता है, OTA मैप अपडेट्स भी इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा ये एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है और ये HD पैनल डिस्प्ले है, तो दोस्तों इसमें हम वीडियो प्लेबैक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पे, और ब्लूलिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर भी दोस्तों आपको मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरियंट में। तो यहाँ पे जो है ऐप के थ्रू हम गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ जा रही है, अलर्ट्स लगा सकते हैं और भी कई सेफ्टी फीचर्स ब्लूलिंक में आते हैं। इसका मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा ब्लूलिंक के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है। देखिए ऑटोमेटिक AC आपको मिलेगा टॉप मोस्ट वेरियंट में, एक प्रीमियम फीचर है। टेम्परेचर सेट करिए, ऑटो मोड पे कर दीजिए, वो ये केबिन पे मेंटेन रखता है। तो अगेन एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरियंट्स में। एक और बड़ा डिफरेंस निकलेगा वायरलेस चार्जर का, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। और ड्राइव मोड्स ट्रांसमिशन दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ें दे रखी हैं। दोनों में ही 7-speed DCT ऑटोमेटिक वाला ट्रांसमिशन मिलता है, काफ़ी एडवांस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोस्तों इसमें आता है। इसके अलावा यहाँ पे डे नाइट फीचर हालांकि देखिए इसमें भी दिया हुआ है, ऑटो डिमिंग वाला मिरर आपको नहीं मिलता है टॉप मोस्ट वेन्यू में भी। इस साइड पे बात करते हैं तो अच्छी चीज़ है, वहाँ पे मिसिंग था आगे की मैप लाइट जो कि आ गई इस गाड़ी में। तो यहाँ पे देखिए इधर वाली लाइट तो अपनी जगह पे ही है और यहाँ पे आगे भी लाइट दी हुई है, तो ये प्रॉपर विजिबिलिटी, प्रॉपर जो है कह लीजिए नाइट के टाइम पे अगर कोई चीज़ आपको देखनी है तो आपको यहाँ पे आगे की तरफ पूरी रोशनी बनी रहेगी। और अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखिए दो लाइट्स दी हुई हैं, यानी अगर आपने इस लाइट को ऑन कर दिया है तो इसका जो लाइट का जो फोकस है, जो रोशनी है, वो पड़ेगी सिर्फ पैसेंजर की तरफ। ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा होगा तो उसकी आंखों पे इसकी चमक नहीं आएगी। तो ये एक मैप लाइट वाला फीचर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। और बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाती है। तो ये चेक कर लीजिए इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक सनरूफ को, तो कह लीजिए अब कुछ लोगों के लिए ये फीचर ऐसा होता है कि कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सनरूफ का आखिर यूज़ क्या है, बिल्कुल बेकार है, इंडिया में कोई भी इसका पर्पस नहीं है। तो देखिए सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, किसको कौन सा फीचर पसंद आ रहा है वो उसकी नीड पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल आपको टॉप मोस्ट वेरियंट पे सनरूफ मिल जाएगी। एक और डिफरेंस मैं आपको इधर के साथ दिखाता हूँ, जब हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे तो देखिए इसमें कूलिंग फीचर वाला ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है। और अगर आप दिन का वक्त है, देखिए यहाँ पे एक हल्की सी आपको स्ट्रिप दिख रही होगी ब्लू रंग की। इस साइड पे एम्बियंट लाइट भी दे रखी है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। एक और डिफरेंस है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे दोस्तों, बल्गलर अलार्म भी दिया हुआ है, तो इसे हम एज अ सिक्योरिटी फीचर कह सकते हैं। अगर अनऑथराइज तरीके से कोई गाड़ी को खोलने की कोशिश करेगा तो कुछ इस तरीके का अलार्म बजने लगता है। ऐसा फीचर कुछ भी नहीं दिया हुआ है SO वेरिएंट में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दोनों ही वेरिएंट्स के छोटे बड़े जितने भी फीचर डिफरेंसेस हैं वो सारे बता दिए हैं। तो यहाँ पे फीचर डिफरेंसेस तो हमने चेक कर लिए हैं SO ऑटोमेटिक और SXO ऑटोमेटिक में। अब बात आती है प्राइस को देखते हुए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो दोस्तों फीचर डिफरेंसेस के बाद चलिए सीधे बात करते हैं प्राइसेस की। तो एक्सोरूम कॉस्ट मैंने दोनों वेरिएंट्स के सामने लिख दिए हैं। प्रेजेंट में एक्सोरूम कॉस्ट SO का है 11,50,900 रुपीज़ और SXO का है 13,23,100 रुपीज़। यहाँ पे एक्सोरूम पे डिफरेंस है 1,72,200 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस मैं UP को लूँगा, जिसमें मैंने चार्जेस एक्सोरूम पे इंश्योरेंस RTO फोर्थ ईयर वारंटी 14,000 की एसेसरीज TCS और SOT 2 ईयर्स की एड करी हुई है। और यहाँ पे ऑन रोड प्राइस दोनों वेरिएंट्स के सामने आ गए हैं 13,60,663 रुपीज है SO का और SXO का है 15,57,755 रुपीज। यहां पे डिफरेंस आ गया 1,97,000 रुपीज का, यानी नियरली 2 लाख रुपए का दोस्तों इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। अब देखिए यहां पे कितना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है, 2 लाख रुपए काफी एक बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर फीचर डिफरेंस मैंने ड्यूरिंग वीडियो आपको चेक कराए बहुत सारे हैं। अगर दोनों गाड़ियों को आपने एक्सटीरियर से देखा, एक तरीके से देखा जाए तो SO वेरिएंट जो है उसमें सिर्फ एक्सटीरियर में 2 ही कमी रहती है, एक तो व्हील्स की और दूसरा जो है इसके हैंडल्स का। लेकिन हालांकि
एसओ के भी जो व्हील्स दिए हुए हैं 16 इंच के स्टाइल व्हील्स, वो कहीं से भी एलॉय की जो है कह लीजिए कमी नहीं लगने देते हैं, काफ़ी हद तक ये भी एलॉय वाले ही लुक दे देते हैं, फिलहाल ये एलॉयज नहीं है। वहीं पे अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर भी ऑलमोस्ट देखने में तो दोनों वेरियंट का एक जैसे ही दिखता है, लेकिन फीचर्स में काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेज हैं। देखिए एसओ वेरियंट एक तरीके से बेसिक सारे फीचर्स को कवर करता है, 8 इंच का टच स्क्रीन, म्यूस्टम, रिवर्स पार्किंग, कैमरा, फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स, बैक में रियर वाइपर, तो एक तरीके से जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब आपको एसओ वेरिएंट पे मिल जाती हैं। वहीं पे देखिए जब आप ह्यूज अमाउंट यानी 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं और जाते हैं सीधे एसएक्सओ डीसीटी ऑटोमेटिक पे, तो डेफिनेटली जब इतना पैसा दे रहे हैं तो फीचर्स भी आपको कहीं ना कहीं काफी बेटर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एलॉयज, क्रोम डोर हैंडल्स, एक्सटीरियर बढ़ जाएंगे। इंटीरियर की बात करेंगे तो काफी चीजें आ जाती हैं, स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, ब्लू लिंक, 8 इंच का टच स्क्रीन, तो दोनों का साइज सेम है लेकिन ये HD पैनल पे दिया हुआ है, तो उसमें नेविगेशन, OTA, मैप अपडेट्स, एलेक्सा जैसे फीचर्स और वीडियो प्लेबैक भी मिल जाता है। हालांकि वीडियो प्लेबैक सिर्फ जो है खड़ी कार पे आप चला सकते हैं, वीडियोस चलती गाड़ी पे नहीं प्ले होंगे। और भी बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट, ऑटोमेटिक AC, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर और बड़ा डिफरेंस सनरूफ भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाता है। इनफैक्ट ADAS लेवल 1 एक एडवांस सेफ्टी भी इसमें दी हुई है। अगर हम एयर बैग्स या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करेंगे तो वो तो हुंडई में स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स में आते हैं। और हाँ, एक और फर्क है, अगर आप वेन्यू का टॉप मोस्ट वेरिएंट पे जाते हैं तो उसके आउटसाइड मिरर जो है ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के साथ ये ऑटोमेटिक भी है, यानी की से भी ऑपरेट करने पर ये जो है लॉक अनलॉक के टाइम पे ओपन और क्लोज होते हैं। वहीं पे एसओ का यहाँ पे मैं एक ड्रॉबैक कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप 13-14 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करते हैं और हाथ से गाड़ी के मिरर्स ओपन क्लोज करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है प्राइस में और बड़ा डिफरेंस है फीचर्स में। अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो एसओ वेरिएंट से फुलफिल हो जाती है, जिसमें बेसिक फीचर्स के साथ कुछ अच्छे फीचर्स भी दिए हुए हैं, तो फिर आप एसओ वेरिएंट पे जाइए। प्राइस को देखते हुए एसओ वेरिएंट बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर आपको लगता है कि आप वेन्यू का टर्बो एक हाईफाई इंजन परचेज कर रहे हैं जिसमें जो है एडवांस ट्रांसमिशन DCT परचेज कर रहे हैं तो फीचर्स में भी कोई कमी ना रहे, तो फिर आप 2 लाख रुपए और पे करके सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट ले लीजिए, कहीं से भी आपको गाड़ी में कमी नहीं मिलेगी और सारे फीचर्स आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए ये थी मेरी राय, रिक्वायरमेंट आपकी। अब आप बताइए कि आपने पूरा वीडियो चेक करा है, प्राइस मैंने बता दिया, फीचर डिफरेंस बता दिया, आपके हिसाब से एसओ आपके लिए बेटर है या फिर एसएक्सओ, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है डिसीजन लेने में कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेड है, तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द नए रिव्यू के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।